दरवाजा बंद करने से कुछ नहीं होगा। आज अजय शर्मा सर ज्योग्राफी में कार्यरत थे तो उनको कोर्ट के आदेश के बावजूद भी सर कॉलेज में ज्वाइनिंग नहीं दे रहे वापस, तो काफ़ी टाइम से परेशान चल रहे हैं। तो उसके बाद भी उनको कह रहे हैं माफ़ीनामा लिख के दो, आप कांग्रेस ज्वाइन करो। प्रिंसिपल सर बिल्कुल कांग्रेस के एजेंट, यहाँ प्रिंसिपल के तौर पे काम न करके कांग्रेस के एजेंट के रूप में कर रहे हैं और पूरे कॉलेज में तानाशाही चला रखी है इन्होंने। न बच्चों की सुन रहे हैं, न किसी की सुन रहे हैं, सारे टीचर सभी यहाँ एक रूम में बैठे हुए हैं और एक भी क्लास नहीं चल रही, सारे टीचर रूम्स में बैठे हुए हैं। आज मंगलवार है, अभी कॉलेज की जो टाइमिंग है उस क्लासों का टाइमिंग है, फिर भी यहाँ सारे टीचर यहाँ बैठे हुए हैं, उनको कोई मतलब नहीं क्लासों से। खुद प्राचार्य सर गायब है और उनकी गैर मौजूदगी में कोई जवाबदार टीचर भी यहाँ मौजूद नहीं है, जो उनकी गैर वाइस प्रिंसिपल कोई भी मौजूद नहीं है और सब यहाँ कमरे बंद कर लिए उन्होंने अपने आप। और एक भाई साहब पता नहीं कौन थे, यहाँ बाहर आउटर आए हुए हैं और वो पूछ रहे हैं कौन है, प्रिंसिपल सर नहीं है और उनके टीचरों गेट बंद कर रहे हैं ज़बरदस्ती, और यहाँ आउटरों का जमावड़ा कर रखा है, कह रहे हैं प्रिंसिपल सर ने नियुक्ति दी है जबकि उनके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड, कोई लेटर पैड, किसी प्रकार का कुछ भी नहीं है। आपके प्रिंसिपल इतना बड़ा कॉलेज चला रहा है और कॉलेज में नहीं है, क्या मानते हो आप? ये बहुत शर्म की चीज़ है कि इतने बड़े कॉलेज में क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है किसी प्रकार से प्रिंसिपल से, जबकि उनका रेजिडेंस भी पास में है, रोज कॉलेज में रहते हैं, परंतु आज उन्हें पता है कि विद्यार्थी आए हैं उन मांगों को लेकर आए हैं तो गायब हो गए यहाँ से। वो सरकार के एजेंट बने हुए काम कर रहे हैं, बिल्कुल कांग्रेसीकरण कर रहे हैं, जबकि शिक्षा में राजनीतिकरण का कोई होना चाहिए। इतने अच्छे पद पे बैठे हैं, उनको तो समझना चाहिए कि बच्चे उनसे क्या शिक्षा लेंगे इस प्रकार का उच्चपन पे उतरे हुए। बिल्कुल कांग्रेस, टोटल कांग्रेस की राजनीति चला रखी है उन्होंने। जो टीचर है, जो कांग्रेसी विचारधारा के टीचर है, उनको सिर्फ आगे बढ़ा रखा, बाकी जो टीचर है उनको ट्रांसफर करने की धमकियाँ देते हैं, उनको कहते हैं कि मैं बाहर ट्रांसफर कर दूंगा, बाढ़ में फेंक दूंगा, जैसलमेर फेंकवा दूंगा अगर तुम्हारे उसमें अगर काबू में नहीं रहे तो। क्या कुछ मांगते, डिमांड मांगते हैं? किसी प्रकार की कुछ भी डिमांड नहीं मांगते बच्चों की, बच्चों को धमकाते हो रहे हैं कि अगर कोई बच्चा कहीं क्लास, अभी क्लासें कहीं पे भी नहीं हो रही है, एक भी रूम में चले जाए क्लासें नहीं हो रही, बच्चे बाहर बैठे हैं, बाहर बैठे रहते हैं तो बच्चों को कहते हैं कि यहाँ क्यों बैठो, बच्चे कहते हैं सर क्लास नहीं हो रही, तो कहते हैं कि घर जाओ क्लास नहीं हो रही, तो सीधा ऐसे जवाब। बच्चों का भविष्य बिगड़ रहा है, बिल्कुल बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इतने बड़ी कॉलेज में बच्चे उम्मीद के साथ आते हैं कि कुछ पढ़ेंगे यहाँ से कुछ बन के जाएंगे, परंतु जो यहाँ का धरातल है बिल्कुल खराब कर रखा है प्रिंसिपल सर ने, और इसके जिम्मेदार पूरे प्रिंसिपल सर ही है। विकास गोरा, छात्र संघ अध्यक्ष, GCA कॉलेज। ये केस वैसे आप लोगों के नॉलेज में आ चुका है, मैं 6 महीने से परेशान हूँ। मुझे 6 महीने पहले स्थानांतरण के खिलाफ हाईकोर्ट जयपुर से स्टे मिला था, मैं यहाँ पे आया ज्वाइनिंग के लिए, मुझे नहीं कराया गया। मैंने 1 महीने तक वेट किया, उसके बाद मुझे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे जाना पड़ा। इन्होंने कहा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दो, मैं किसी से नहीं डरता, सरकार मेरी है। तो मुझे कंटेम्प्ट ऑफ है प्रिंसिपल साहब ने, ML अग्रवाल साहब ने। मैंने उनसे कहा कि सर ऐसा मत कीजिए, आप भी यहीं के हो, मैं भी यहीं से हूँ, मैं कंटेम्प्ट नहीं जाना चाहता आपके खिलाफ। तो बोले नहीं, जो कुछ करना कर लीजिए। विवश होकर मुझे 1 महीने बाद, मैंने 1 महीने वेट किया, ध्यान रखिए, 1 महीने बाद मुझे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए जाना पड़ा। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाने के बाद में 10 जुलाई 2019 को आयुक्तालय ने, यानी राजस्थान सरकार ने, मेरे ज्वाइनिंग के आदेश निकाल दिए। मेरे ज्वाइनिंग के आदेश निकाले 10 जुलाई 2019, मतलब 2 महीने हो गए अब। मैं कई बार इनके पास गया ज्वाइनिंग के लिए, इन्होंने मेरे को ज्वाइन नहीं कराया कि मैं नहीं ज्वाइन कराता। फिर बोलते हैं कि एक शर्त पे ज्वाइन कराऊंगा, आप एक एफिडेविट लिख के दो जिसमें आपको माफ़ीनामा हो, और माफ़ीनामे के साथ साथ उस एफिडेविट में ये लिखा हो मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वापस लेता हूँ। मैंने कहा सर इस आदेश में जो 10 जुलाई को निकला हुआ है, इसमें कहाँ लिखा है कि मुझे आपको एफिडेविट देना है कोई? मैं बिल्कुल गांधीवादी तरीके से प्यार मोहब्बत से इनसे मिलता रहा हूँ, आज भी मैं गांधीवादी तरीके से ही मिलने आया हूँ, सत्याग्रह के रूप में। कल ये गांधी की कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, गांधी के विचारों को जिंदा रखने के लिए। अगर मुझे आज ज्वाइन नहीं कराया गया तो मैं कल से
या हम किसी प्रकार का सत्याग्रह करेंगे, किसी प्रकार यहाँ कॉलेज प्रांगण में ही हम सत्याग्रह करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और इससे आगे भी जो भी कुछ हो सकता है वो हम करेंगे। क्योंकि अब मैं अपने नाक तक भर चुका हूँ, इतना परेशान हो चुका हूँ कि मतलब अगर मेरे और मेरे परिवार को अगर कुछ होता है तो आप ये जान लीजिए इसके जिम्मेवार प्राचार्य मुन्ना लाल अग्रवाल गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर होंगे। वो अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए इस प्रकार का टॉर्चर कर रहे हैं। मेरे जैसे आदमी को जो सिर्फ पढ़ने पढ़ाने और रिसर्च के अलावा कोई काम नहीं करता, जिसका कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं है, जिसका ना कांग्रेस से मतलब है ना बीजेपी से मतलब है, लेकिन अपनी व्यक्तिगत रंजिश निकालने के लिए वो इस प्रकार का काम कर रहे हैं। मेरे साथ 26 अप्रैल को 3 लोगों को एक ही जज एक ही वकील के द्वारा स्टे मिला था, 27 अप्रैल को उन दोनों लोगों को ज्वाइन करा लिया गया, इन्होंने मेरे को नहीं कराया। आज 6 महीने से ज़्यादा हो गए, 7वां महीना चल रहा है। अब मैं क्या करूँ, किससे गुहार करूँ? मैंने मुख्यमंत्री को भी भेज दिए सब कुछ, शिक्षा मंत्री को भी भेज दिए, आयुक्तालय को भी भेज दिए, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं। ऐसे लगता है कि सरकार अपने कान में रुई डाल के बैठी है, वो दूसरों का कोई सुनना ही नहीं चाहती है, वो सिर्फ अपने आप को बचाने में लगी हुए हैं। मैं डॉक्टर अजय शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। ये मेरी आप लोगों से एक प्रकार से अनुरोध है और प्रशासन से भी अनुरोध है, मुख्यमंत्री से भी अनुरोध है कि मेरे साथ जस्टिस किया जाए, अन्यथा अगर कुछ होता है तो उसके लिए जिम्मेवार प्राचार्य और राज्य सरकार होगी। सर, मार्च में 6-7 मार्च को इनका ऑर्डर आए करौली के, इन्होंने उसके बाद इन्होंने स्टे ऑर्डर का वो अप्लाई किया, स्टे ऑर्डर मिल गया इनको अप्रैल में। उसके बाद ये चक्कर पे चक्कर लगाते रहे और प्रिंसिपल महोदय कुछ ना कुछ बहाना करें, इनको हमेशा टलाते रहे और जॉइनिंग नहीं कराया। आयुक्तालय से ऑर्डर आ गए, बोर्ड के आ गए, उसके बाद भी इन्होंने आदेश की अवहेलना की और निजी द्वेष रखते हुए उन्होंने ज्वाइन नहीं कराया। ये 6 महीने से मानसिक रूप से बीमार हैं, टेंशन में हैं, क्योंकि बेटी की शादी है 2 महीने बाद। बार बार सुसाइड की कोशिश करते हैं, मैं इनको बार बार बचा लेती हूँ, बच्चे मेरे तनख्वाह नहीं मिल रही 6 महीने से तनख्वाह, उसमें मेरे रिलेटिव दोस्त लोग ये पैसे दे के हेल्प कर रहे हैं और जैसे तैसे हम अपना टाइम बचा रहे हैं। प्रिंसिपल से मिलने आए थे, प्रिंसिपल मिला आपको या नहीं मिला? नहीं मिले, वो उनको पता चल गया और वो गायब हो गए। और अक्सर इनको भी जब भी बुलाते हैं वो अक्सर गायब हो जाते हैं, जब भी ये आते हैं इनको टाइम दे देते हैं। अब वो क्यों नहीं सामना करना चाह रहे वो मुझे पता नहीं है। क्या आपके हस्बैंड का? अजय कुमार शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी। आपका नाम? रेखा शर्मा।